बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम खट्टे आलू के कबाब बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने आधा किलो आलू को बॉईल कर लिया है, ये गले हुए हैं। 1/4 कप इमली का गूदा, 1 अदद लीमू का रस मैंने निकाल लिया है, फ्रेश लीमू था उसका रस निकाल लिया है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची और 1 टीस्पून सूखा धनिया, लेकिन भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, यानी कि तवे पे हमने इसको दोनों को भून लिया था या फ्राइंग पैन में भून लिया, 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 खाने के चम्मच चॉप प्याज। इसी तरह हमने पुदीना और धनिया लेना है, मैंने थोड़ा ही लिया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून के करीब, और 1 ही खाने का चम्मच हमने चॉप्ड हरी मिर्चें लेनी है। और ऑयल पर हम इसको थोड़ा सा हल्के ऑयल से इसको कबाब को फ्राई करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आलूओं को मैश कर लें। हाथ मेरे धुले हुए हैं। एक अदद लीमू का रस और प्याज को हमने किस तरह डालना है मैं आपको बता दूं। प्याज लिया और इसको निचोड़ा, प्याज को निचोड़ के डालना है। हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, सारी चीज़ें डाल दी और इमली का पल्प डाल दिया। सारी चीज़ें डाल दें और इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। हमने तैयार कर लिया है, इसके कबाब बना लें। इतनी जल्दी झटपट बनने वाले कबाब है क्योंकि आज हम लोग बना रहे हैं अफ्तारी में खिचड़ी, तो मैंने कहा खिचड़ी के साथ तो कबाब बड़े मज़े के लगते हैं, इसलिए मैं शामी कबाब बना रही। मैंने कहा आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर दूँ, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इसमें से टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। खट्टे खट्टे आलू के कबाब हैं, वैसे ही मुँह बहुत फीका फीका हुआ होता है रोज़ा रख के इस तरह की करारी चीज़ें। अच्छा, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा किस किस को करारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं रमज़ान के महीने में अफ्तारी के टाइम, बल्कि किसको नहीं अच्छी लगती है ना वो। जब रोज़ा खुलने का टाइम होता है ना, उस वक्त भी बहुत से लोग कह रहे होते हैं हरी मिर्चें तल लो, क्रिस्पी चीज़ें बना लो। देखें, इसमें इमली का पल्प और लीमू का जूस जो हमने डाला है, उसमें से आलू का अमेज़ा जो हो जाना था वो इस तरह बाइंडिंग नहीं आनी थी। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल देने से, जैसे कई लोग कहते हैं कॉर्नफ्लोर ना हो तो हम ब्रेड क्रम्स डाल दें, ब्रेड क्रम्स का टेस्ट जो है ना वो इतना अच्छा नहीं आएगा इसमें। अगर आप डालना चाहें तो डाल के देख लीजिएगा, लेकिन ये कि कोशिश कीजिएगा कॉर्नफ्लोर डाल लीजिएगा। इसके कबाब बना के हम मिलते हैं। कबाब सारे हमने तैयार कर लिए हैं, अब इसको फ्राई करते हैं। 2 खाने का चम्मच हमने ऑयल फ्राइंग पैन में डाला हुआ है, ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करना, जैसे डीप फ्राई या शैलो फ्राई, बिल्कुल लाइट से ऑयल के साथ इसको फ्राई करना है। जितने फ्राइंग पैन में कबाब आते हैं उतने डाल के हमने इसको फ्राई करना है। एहतियात से पलटिएगा क्योंकि इस पर हमने ना ब्रेड क्रम्स किए ना कुछ भी, क्योंकि ये डायरेक्ट ही फ्राई किए जाते हैं, इतने ज़बरदस्त लगते हैं। दोनों साइड से हमने फ्राई कर लिए, अब इनको निकाल लेते हैं। इतने अमेज़े में हमने 10 कबाब तैयार कर लिए हैं और 10 कबाब माशाल्लाह से, पहले मैंने 5 फ्राई किए, अब मैंने 5 फ्राई किए, कंप्लीट तैयार हुए हैं, इनको निकाल लेते हैं।
ये देखें खट्टे आलू के कबाब तैयार हो गए हैं, आपने बनाना है और ट्राई करना है, मुझे बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हुन मैं पंजाबी साजा अद्धा किलो मैं आलू लहसन तो उन्होंने मैं उबाल लिया से भुनियादा तो कुटिया का जीरा तो भुने के कुटिया का सुखा धनिया पाया तो भुने भुन के कुटना है तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। फिर इमली का पल्प 1/4 कप पा के लीमू 1 अदद पा के उन्होंने मैं कॉर्नफ्लोर पा के हरिया मिर्चा आसन कुटिए मिर्चा नमक तो धनिया पुदीना हर चीज़ मिक्स करके प्याज में निचोड़ के उसका पानी निकाल के तो फिर मिक्स करना है क्योंकि अगर पानी मिक्स होएगा तो वैसे ही इमली का पल्प भी तुम्हें पता है ज़रा सॉफ्ट सॉफ्ट कबाब इन्ने मज़े के इन्ने कबाब बड़े जबरदस्त बने और इन्ने जिन्हों कहते हैं कि खुशबू इन्नी आ रही है। अफतारी के टाइम बनाओ या ईद उत्ते बनाओ तुहाड़ी अपनी चॉइस है कि तुसी किस वक्त बनाते हो, लेकिन एनी टाइम तुसी बना सकते हो। अजकल तो कोरोना की वजह तो स्कूल बंद है लेकिन बच्चों लंच बॉक्स भी तुसी दे सकते हो, बहुत जबरदस्त लगते हैं। ट्राई करके मैं दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी, अपनी दाजू याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।